हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। बेटा आज की जो हमारी लेक्चर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नोज। ठीक है, हमने हमारी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था, याद है बेटा आपको। हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर अगली वाली जो लेक्चर थी उसमें ड्रॉ किया था। अभी आपको ये जो स्ट्रक्चर है उसके सारे जो पार्ट्स है उसके बारे में अभी आपको मालूम है। ठीक है, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेन दो पार्ट है न्यूरॉन के, वन इज सेल बॉडी एंड सेकेंड इज सेल प्रोसेसेस, जो कि सेल बॉडी में से अराइज होती है। ठीक है, सेल बॉडी किससे बोलते हैं बेटा हम, ये जो बीच का जो पोर्शन है उसे सेल बॉडी बोलते हैं, और उसमें से ये जो प्रोसेसेस अराइज होती है उसे बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। सो न्यूरॉन के दो पार्ट है, ये बीच वाला सेल बॉडी एंड दी सेल प्रोसेसेस। ठीक है, सेल बॉडी में क्या रहता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सारी जो सेल ऑर्गेनल्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, और सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगी, दैट इज सेंट्रियोल। याद है मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल न होने की वजह से ये जो न्यूरॉन रहते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, माइटोसिस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, न्यूरॉन के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो सेल डिवीजन कर पाए, जिससे क्या होगा कि अगर यहाँ कहीं पे भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ देन दिस डैमेज विल परमानेंट। ओके, एटले के दैट मीन कि ये जो डैमेज है वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं हो रही। ओके, सो ये हमने सेल बॉडी के बारे में देखा। अभी जो सेल प्रोसेसेस है उसमें दो चीजें आएगी, दो टाइप की सेल प्रोसेसेस रहती है, ये जो शॉर्ट जो है एंड लार्ज नंबर में जो प्रेजेंट है दैट आर डेंड्रॉन्स। याद रखना बेटा इसे डेंड्रॉन्स बोलते हैं, ये सारी सेल प्रोसेसेस को डेंड्रॉन बोलेंगे, और ये लंबी वाली जो है उसे एक्सोन बोलेंगे। आपको मालूम है, मालूम ही ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। फिर डेंड्रॉन में से जो निकलता है दैट आर डेंड्राइट्स, ये जो है दैट आर डेंड्राइट्स। देन ये जो बड़ी वाली है दैट इज एक्सोन, और उसके ऊपर मायलिन की शीथ प्रेजेंट रहती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है दैट इज माइलिन शीथ, और ये जो इतना पोर्शन है उसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल और नर्व एंडिंग, और यहाँ पे राउंड नोब प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। ठीक है, सो ये वन न्यूरॉन। अभी इसके नीचे ही यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके नीचे ही दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, यहाँ पे मैं डेंड्राइट्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे हमने निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ा था जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, सो इस तरीके से कई सारे न्यूरॉन्स ऐसे अरेन्ज होके क्या बना लेते हैं बेटा, नर्व्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स मिलके सेंटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दू आई एम हिरवा। ठीक है, सो ये वन वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, सो इससे क्या बन गया, सेंटेंस फॉर्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन, देन थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन,
ठीक है। इस तरीके से कई सारे न्यूरॉन्स इस लाइन में अरेंज होते हैं एक के बाद एक। इस तरीके से कई सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा, नर्व्स बनाते हैं। नर्व्स एंड न्यूरॉन में डिफरेंस है, ठीक है। नर्व जो कि न्यूरॉन से बनती है, न्यूरॉन सेल है, लेकिन कई सारे सेल्स ऐसे इस तरीके से अरेंज होके नर्व बनाते हैं। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। सो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि नर्व और न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है, ओके। सो यहाँ पे आपने देख लिया। अभी आपको न्यूरॉन फंक्शन कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, डेंड्राइट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं बेटा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। हम रिसेप्टर किसे बोलते हैं बेटा, रिसेप्टर उसे बोलते हैं जिसके पास रिसीव करने की एबिलिटी है, जो कुछ चीजें रिसीव कर सकते हैं उसे रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारी बॉडी में आप देख लो कि हमारी बॉडी में नोज, ईयर्स, देन स्किन, टंग, ठीक है, आईज। सो ये सारे जो फाइव ऑर्गन है, दैट आर सेंस ऑर्गन्स, जिससे हम बाहर के एनवायरमेंट में से जो सारे सिग्नल्स है उसे रिसीव कर सकते हैं। अभी आप देख लो कि आपने आप बैठे हो शांति से, ठीक है, घर में, फिर मम्मी ने कुछ अच्छा सा बनाया, फिर वहां से स्मेल आके आपके नोज में चली गई, ठीक है। सो नोज में क्या होगा बेटा, इस तरीके से नर्व्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जिसके नर्व जो है वो न्यूरॉन से बनी है, अभी नोज में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसके पास उसके डेंड्राइट्स होंगे। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, नोज में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसके पास अपने डेंड्राइट्स है, और डेंड्राइट्स के पास क्या है बेटा, रिसेप्टर है। फिर क्या हुआ कि जो स्मेल आई बाहर से, ठीक है, जो खाने की जो खुशबू आई वहां से बाहर से, ठीक है। सो ये जो है रिसीव किसने की, नोज के ऊपर, नोज में जो न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसने ये जो स्मेल के फॉर्म में जो सिग्नल आया एनवायरमेंट में से उसे रिसीव किया, ठीक है। अभी आपने देख, अभी क्या होगा कि यहां से यहाँ पे जो रिसेप्टर होंगे प्रेजेंट, ये स्मेल का सिग्नल रिसीव करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये डेंड्राइट ने रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, ये जो है डेंड्राइट वो सिग्नल आगे की साइड पास करेंगे। अभी आगे कौन प्रेजेंट है बेटा, डेंड्राइट के बाद कौन आता है, सेल बॉडी, ठीक है। सो यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर है जिसने क्या किया, मैसेज और यू कैन से सिग्नल रिसीव किया। अभी यहां से जो मैसेज सिग्नल आया वो अभी डेंड्राइट्स किसे पास करेंगे बेटा, सेल बॉडी को। सेल बॉडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, सेल बॉडी को मैसेज पास करेंगे, ठीक है, ओके। सेल बॉडी के दूसरे टर्म्स, दूसरे जो नाम है वो भी आपको मालूम है, सोमा है, साइटोन है, ये सारे जो नाम है वो सेल बॉडी के है। डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, उसने सेल बॉडी को पास किया। अभी सेल बॉडी किसे पास करेगी बेटा, एक्सोन को, किसको पास करेगी, एक्सोन को, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ एक्सोन ही है। सो इसके रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, फिर सेल बॉडी को दिया, उसने एक्सोन को दिया। अभी एक्सोन में से ये मैसेज पास होते होते किसमें आया, एक्सोन टर्मिनल में आया, फिर एक्सोन ने किसे दिया बेटा, एक्सोन टर्मिनल को दिया मैसेज। सो इस तरीके से मैसेज आगे आगे पास हुआ। क्लियर है बेटा इतना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो, जब न्यूरॉन में से जो भी मैसेज पास होता है तब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास होता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे मैसेज आया, सिग्नल आया,
यहाँ पे मैसेज किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्मेल का सिग्नल था, लेकिन आगे मैसेज किस तरीके से पास होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। यहाँ पे रिसेप्टर ने स्मेल को रिसीव किया, उसके सिग्नल को रिसीव किया, एंड यहाँ पे जो मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आगे एक्सॉन में ये मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास होगा। किससे पास होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। सो एक्सॉन में मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पास होगा के फॉर्म में, फिर वहां से ये जाएगा एक्सॉन टर्मिनल में, जहां पे भी मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही होगा। लेकिन जैसे ही ये मैसेज एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा, एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच गया, जैसे ही ये मैसेज एक्सॉन टर्मिनल में एंटर हुआ, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल के लास्ट में। ये क्या है बेटा? साइनेप्टिक नोब है। बहुत इजी है, यहाँ पे फोकस कीजिए। एक्सॉन टर्मिनल में जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज आएगा, साइनेप्टिक नोब में कुछ एक्टिविटीज होगी। कौन सी एक्टिविटीज होगी बेटा? ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर वेसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? मैंने हमारी अगली लेक्चर में वहां पे लिखा था न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो है वेसल में, यहाँ पे साइनेप्टिक नोब के अंदर वेसल में न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर रहते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिखा रही हूँ बेटा आपको, ये साइनेप्टिक नोब मैंने बनाया, फिर इसके अंदर वेसल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर होंगे, ठीक है? जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलाइन है। न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक तरीके के केमिकल्स है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है? जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज आएगा, ये जो वेसल है न्यूरोट्रांसमीटर की, ये मेम्ब्रेन की साइड मूव करेगी, ठीक है? ये जो वेसल है उसने मेम्ब्रेन की साइड मूव किया, फिर ये यहाँ से रप्चर होगी और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो केमिकल है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतना? ओके, यहाँ पे देख लो साइनेप्टिक नोब में यहाँ पे केमिकल है, वो यहाँ से इसे ब्रेक करके रिलीज हो जाएगा, ठीक है? अभी आप ये वाली जो फिगर है उसमें आप देख लो कि थोड़ी सी इस तरीके से बनाई जिससे बड़ी बन गई, ठीक है? जिससे आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे साइनेप्टिक नोब के अंदर ये जो है केमिकल दैट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो है यहाँ पे वेसल के अंदर स्टोर होंगे, ठीक है? सो यहाँ पे स्टोर है। अभी क्या होगा बेटा? यहाँ पे डेंड्राइट्स है, उसके ऊपर क्या है बेटा? रिसेप्टर्स है। फिर क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस रहती है उसे बोलते हैं बेटा साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। यहाँ पे जो स्पेस है उसे साइनेप्स बोलते हैं। अभी क्या होगा बेटा कि यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए बाहर की साइड, ठीक है? अभी यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है दूसरे न्यूरॉन के, अभी डेंड्राइट्स के ऊपर यहाँ पे भी रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है? सो क्या होगा कि ये जो केमिकल यहाँ से निकला वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर जो रिसेप्टर है उससे बाइंड कर जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ अभी मैसेज कहाँ पहुंच गया बेटा? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक मैसेज पहुंच गया। अभी फिर यहाँ से मैसेज फिर से ये वाली जो न्यूरॉन थी उसमें जैसी प्रोसेस हुई, उसी तरीके से यहाँ से आगे मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास होगा। यानी कि बेटा क्या होगा कि ये जो एक न्यूरॉन है उसमें मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास होता है, ठीक है? एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में पास होता है, ठीक है? फिर उस दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस रहती है उसे साइनेप्स बोलते हैं।
अभी यहाँ पे गैप है, इतनी सारी स्पेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेस में से कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होंगे? पास नहीं हो सकते ना बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ से मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आगे की साइड पास नहीं हो सकते, ठीक है। सो क्या उपाय निकाला न्यूरॉन ने? यहाँ पे से केमिकल के फॉर्म में मैसेज पास करवाया। सिर्फ इतनी सी जो स्पेस है जिसे साइनेप्स बोलते हैं, उसमें मैसेज केमिकल के फॉर्म में पास होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में, यानी कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल, ये मैसेज यहाँ से यहाँ पास होगा, ठीक है। फिर से ये वाले न्यूरॉन में मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में पास होगा। इस तरीके से यहाँ से जो सिग्नल मिला था वो धीरे धीरे करके वन न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, ऐसे करते करते कहाँ तक पास हो जाएगा मैसेज? ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ट तक मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ जो स्टिम्यूली हुई, यहाँ पे जो एनवायरमेंटल चेंज आया, मैंने आपको बताया कि अच्छी सी स्मेल आई, वो हमारे लिए सिग्नल था, ठीक है। फिर ये जो सिग्नल है वो धीरे धीरे करके विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूरॉन्स, ये जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी ये सिग्नल ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ट में पहुंचा, वहां पे क्या होगा बेटा? प्रोसेसिंग की प्रोसेस होगी, वहां पे एनालिसिस की प्रोसेस होगी कि चलो ये स्मेल तो किसकी है बेटा, ये स्मेल तो मम्मी ने घर पे मंचूरियन बना के रखे हैं, उसकी स्मेल है, और हमको तो मंचूरियन बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि आपके ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया कि चलो ये जो स्मेल है वो बहुत बढ़िया है और हमारी पसंदीदा जो चीज है उसकी है, यानी अभी आपको ब्रेन सिग्नल पास करेगा, ठीक है। उसने एनालिसिस किया, फिर वो आपको सिग्नल पास करेगा, दूसरी सिग्नल पास करेगा कि जाओ मम्मी के पास और वहां पे डिश में अपने जो मंचूरियन है वो लेके खाने लगो, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो अभी क्या होगा, ब्रेन दूसरा सिग्नल पास करेगा, ठीक है, और वो सिग्नल वहां से न्यूरॉन्स लेके आएंगे, वहां से जो दूसरे न्यूरॉन्स आते होंगे वो लेके आएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से फिर जो दूसरा सिग्नल है वो आपके स्केलेटल सिस्टम को और आपके मसल्स को मिलेगा, ठीक है, आपके माउस को मिलेगा, जिसमें सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप जाके वहां मम्मी के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये नर्व्स काम करती है, ठीक है, और ये नर्व्स जो है किससे बनी है बेटा? न्यूरॉन से बनी है। अभी देख लो, नर्व्स के भी तीन टाइप है, सेंसरी, मोटर एंड रिले। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन नर्व्स जो है उसके तीन टाइप्स है, वन इज सेंसरी, सेकेंड इज मोटर एंड थर्ड इज रिले। अब बहुत इजी है बेटा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो बेटा कि ये जो है, सपोज यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा है क्या बेटा, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स। अभी सेंस ऑर्गन्स कौन से है बेटा हमारी बॉडी में? स्किन है, नोज है, ईयर है, आईज है हमारी, ठीक है, एंड टंग है, यानी कि फाइव सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जिससे हमें एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो हमें मालूम होते हैं, ठीक है, और वो सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। मैंने आपको स्मेल की एग्जांपल दी, ठीक है, लेकिन आप कई सारे एग्जांपल्स अपने तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको स्मेल का एग्जांपल दिया, उसी तरह आप आईज के रिलेटेड एग्जांपल सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपने देखा कि चलो कोई गिर गया है,
और कोई गिर गया है और उसको किसी की हेल्प की जरूरत है, फिर आपको मैसेज पास होगा आईज में से कि ब्रेन तक कि ये कोई गिर गया है, फिर ब्रेन जो है वो एनालिसिस करेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा, फिर आपको सिग्नल मिलेगा कि जाओ जाके उसको हेल्प करो, फिर आप जाके उसको हेल्प करोगे, ठीक है। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स आप खुद अपनी तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन में से जो एनवायरमेंट में जो चेंज हुए वो मैसेज सेंस ऑर्गन के थ्रू किसको पास हो गए बेटा, नर्व्स को पास होंगे। नर्व्स यानी नर्व्स किससे बनी है, न्यूरॉन से बनी है, ठीक है। सो ये जो मैसेज है, सपोज यहाँ पे हम नोज की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, और स्किन की, जब हम नोज की स्किन को ले लेते हैं, ठीक है। सो सेंस ऑर्गन, अभी हम स्किन के बारे में बात करते हैं कि स्किन पे किसी ने आपको ऐसा छुआ और किसी ने आपको यहाँ पे इंसेक्ट, जो छोटे से इंसेक्ट है उसने शायद सपोज देख लो कि उसने आपको काट लिया, फिर क्या होगा कि यहां से जो मैसेज है वो नर्व्स के थ्रू किसको पास होंगे बेटा, सीएनएस को पास होंगे। सीएनएस यानी उसमें इन्वॉल्व है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो यहां से, और नर्व्स किसका पार्ट है बेटा, पीएनएस का, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सो यहां से मैसेज नर्व्स के थ्रू सीएनएस को पास होंगे, ठीक है, फिर सीएनएस उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा कि चलो इंसेक्ट ने काट दिया है, सो जाके पानी लगा लो या फिर इसकी कुछ ट्रीटमेंट करो, ठीक है। सो ये जो सीएनएस है वो प्रोसेसिंग का और एनालिसिस का फंक्शन करेगी, ठीक है। अभी क्या होगा बेटा, सीएनएस में से जो मैसेज आया वो किसको पास होगा बेटा, नर्व्स को पास होगा, और नर्व्स जो है, मैं आपको यहां पे लिख देती हूँ, सीएनएस में से जो मैसेज आया वो नर्व्स में पास होगा, फिर ये नर्व्स जाके सेंसरी ऑर्गन को सिग्नल देगी और आप वहां से स्किन पे से पानी लगा लोगे या फिर वहां से हाथ अपना हटा दोगे, ठीक है। सो इस तरीके का बात में रहता है, पहले सेंस ऑर्गन में से मैसेज नर्व्स को पास किया, फिर नर्व्स में से सीएनएस को मिला, सीएनएस ने प्रोसेसिंग का फंक्शन किया, फिर वो जो उसने जो कमांड दिया, उसने जो प्रोसेसिंग किया, उससे दूसरा सिग्नल जनरेट हुआ और इसने फिर से नर्व्स को पास किया और नर्व्स लेके जाके सेंस ऑर्गन को मैसेज दे दिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख लो कि इस एक तरीके की साइकिल जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है कि सेंस ऑर्गन से हमने स्टार्ट किया था, फिर वहीं आके ये रुक गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो दो बार नर्व्स का फंक्शन रहता है, पहले मैसेज सीएनएस तक ले जाने में, फिर मैसेज सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक ले जाने में, यानी कि दो तरीके की नर्व्स यहाँ पे है, देख लो, क्लियर है बेटा इतना। सो ये जो फर्स्ट नर्व है जो कि मैसेज सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आती है, ये जो नर्व है जो कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले आती है उसे हम ए बोलते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या है बेटा, सेंसरी नर्व। क्या नाम है बेटा, सेंसरी नर्व, जो कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज कैरी करती है, उसे सेंसरी नर्व बोलते हैं। अभी स्पाइनल कॉर्ड ने यहाँ पे एंड ब्रेन ने यहाँ पे क्या किया बेटा, प्रोसेसिंग किया, ठीक है। अभी ब्रेन में भी कितने सारे न्यूरॉन्स रहते हैं, क्लियर है, कितने सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट रहते हैं और वहां पे भी नर्व्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है, यहाँ पे भी नर्व्स प्रेजेंट रहती है जो कि प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी नर्व्स प्रेजेंट रहती है जो कि प्रोसेसिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगी, जिसे हम बी टाइप की नर्व बोलते हैं,
और उसका क्या नाम है बेटा जो प्रोसेसिंग के फंक्शन करती है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहती है, उसे बोलते हैं रिले नर्व। क्या बोलते हैं? बी टाइप की जो है उसे बोलते हैं रिले नर्व। अभी क्या होगा, यहाँ से जो मैसेज क्रिएट हुआ वो ये वाली जो नर्व्स है वो कैरी करके सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक ले जाती है और यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वहां तक ले जाती है। ठीक है, सो ये जो नर्व है उसे हम सी टाइप की नर्व बोलते हैं और इसका नाम क्या है बेटा? मोटर नर्व। क्या नाम है इसका? मोटर नर्व। सो एक हुई सेंसरी नर्व, देन रिले नर्व, देन मोटर नर्व। ठीक है, सो इस तरीके के फंक्शन, इस तरीके से फंक्शन के बेसिस पे नर्व्स जो है वो तीन टाइप की रहती है। जो सेंस ऑर्गन से मैसेज कैरी करके सीएनएस तक ले आए मैसेज उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी जो कि प्रोसेसिंग का और जो रिफ्लेक्स एक्शन रहती है उसमें जो फंक्शन परफॉर्म करती है उसे रिले नर्व बोलते हैं एंड देन मोटर नर्व। सो इस तरीके के, इस तरीके से तीन टाइप की नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। क्लियर है बेटा इतना? अभी और भी नर्व्स के पार्ट है, वन इज सोमेटिक एंड सेकेंड इज ऑटोनोमिक नर्व्स। ठीक है, वॉलेंट्री नर्व और इनवॉलेंट्री नर्व यू कैन से। अब वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री का क्या मीनिंग है बेटा? ये तो आपको आ गई, चलो सारी टाइप। अभी अभी भी एक टाइप बाकी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इसमें भी आप देख लो कि वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री टाइप की दो नर्व प्रेजेंट रहती है। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। अभी ये क्या है बेटा? वॉलेंट्री यानी, ठीक है, आपने वॉलेंटियर टर्म पढ़ा है, वॉलेंटियर यानी स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से हेल्प करने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। ठीक है, और जो स्वयं शिस्त में रहते हैं आपको मालूम है वॉलेंटियर्स रहते हैं। ठीक है, और वॉलेंट्री क्या है बेटा? जिसमें आपकी इच्छा इन्वॉल्व है, यानी कि अभी आप सोचते हो ऐसे में, ऐसे मेरा हैंड है, अभी मैं सोचती हूँ कि चलो मुझे यहाँ से हैंड हटा देना है फिर मैं यहाँ से ले लूंगी। ठीक है, अभी मुझे ऐसा ऐसी इच्छा हुई कि चलो मुझे ये दोनों ही मारकर एक ही हैंड में पकड़ के रखनी है फिर मैं पकड़ सकती हूँ। फिर अभी चलो मुझे ऐसा मन हुआ कि चलो एक हाथ में दो नहीं, मुझे अलग अलग हाथ में दोनों मार्कर्स चाहिए, ठीक है, फिर मैं ये भी कर सकती हूँ। यानी कि आप देख लो कि कई सारी मूवमेंट्स ऐसी रहती है जो आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो और अपनी अपनी इच्छा से आप वो सारी मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि रन करना, आपको चलो इच्छा है कि चलो मुझे एक्सरसाइज करनी है फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको चलो इच्छा है कि मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे डांस करना है, मुझे दूसरा कुछ मार्शल आर्ट एंड ऐसा कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव कुछ आर्ट बनाना है, कुछ पेंटिंग करनी है। सो ये सारी जो मूवमेंट रहेगी जिसमें हैंड्स की और हैंड्स की और लेग्स की, ठीक है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो सो उसमें पूरी बॉडी के जो स्केलेटल सिस्टम है उसकी जो मूवमेंट है वो वॉलेंट्री है, यानी कि आप अपनी इच्छा से आप जैसे चाहो वैसे उसमें मूवमेंट करा सकते हो। लेकिन कई सारे जो मूवमेंट है जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी मुताबिक फंक्शन जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि अभी आप देख लो कि मुझे अभी ऐसा मन हुआ कि नहीं चलो अभी मेरे हार्ट को मुझे बीट नहीं करवाना, अभी मैंने मेरे हार्ट ने बहुत हार्ट बीट कर ली, अभी मुझे एक घंटे बाद मुझे फिर से जो अपने हार्ट को बीट करवाना है, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। ठीक है, फिर अभी आप देख लो कि आप बोलोगे कि नहीं मुझे अभी स्टमक में अभी ज्यादा मुझे डाइजेशन की प्रोसेस करवानी है। सो ये जो सारे ऑर्गन्स है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लीवर, किडनी, ठीक है, अभी आप बोलो कि किडनी को मुझे अभी थोड़े देर
थोड़े देर तक काम नहीं करवाना है, ठीक है। सो ये जो सारे ऑर्गन्स है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि आप जैसे चाहो उस तरीके से आप उसे फंक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। सो इस तरीके के जो ऑर्गन्स है उसे इनवॉलेंट्री बोलते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो कि आपके कंट्रोल में है सारे हैंड्स एंड लेग्स एंड ऑल जो थिंग्स आपके बॉडी की, उसे आप बोलते हो वॉलेंट्री, ठीक है। अभी यहाँ पे दो तरीके की नर्व्स प्रेजेंट रहती है बेटा हमारी बॉडी में, वन इज वॉलेंट्री एंड सेकेंड इज इनवॉलेंट्री। अभी आप देख लो कि वॉलेंट्री नर्व क्या है बेटा, जो सिग्नल पास करेगी, किसे पास करेगी, वॉलेंट्री ऑर्गन को, ठीक है। सो नर्व्स जो है वो जो वॉलेंट्री ऑर्गन को मैसेज पास करती है और उसमें इनवॉल्व है उसे बोलते हैं वॉलेंट्री नर्व, और जो नर्व्स है जो कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है और उसमें इनवॉल्व है उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री नर्व्स। कितना सिंपल है बेटा, वॉलेंट्री नर्व्स एंड इनवॉलेंट्री नर्व्स, ठीक है बेटा। ये जो नर्व है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम और जो वॉलेंट्री ऑर्गन है हमारे उसको मैसेज पास करेगी, और ये जो नर्व है इनवॉलेंट्री वो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को मैसेज पास करेगी, ठीक है। सो इस तरीके से दो टाइप की नर्व्स प्रेजेंट रहती है, क्लियर बेटा इतना। अभी इनवॉलेंट्री नर्व में भी दो टाइप है, बहुत इजी है बेटा, कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक है। वन इज सिंपैथेटिक एंड सेकेंड इज पेरा सिंपैथेटिक, वन इज सिंपैथेटिक एंड द अदर इज पेरा सिंपैथेटिक। दो तरीके की नर्व्स प्रेजेंट रहती है, ये मैंने ऑर्गन्स के टाइप नहीं लिखे है, ठीक है। ये तो फिर मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे लिखा था, ये किसके टाइप है बेटा, इनवॉलेंट्री नर्व्स के टाइप है, ठीक है। सो वन इज सिंपैथेटिक अदर इज पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि जो ये इनवॉलेंट्री है वो तो आपको मालूम हो गया, सिंपैथेटिक नर्व यानी कि जो आपको एनर्जाइज करता है और जो एक्सट्रीम कंडीशन रहती है उसके लिए आपको प्रिपेयर करता है उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व। यानी कि आप देख लो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पीछे चलो शेर पड़ गया, अभी कुत्ता छोड़ दो उससे तो हमें डर नहीं लगता, अभी आपके पीछे शेर पड़ गया, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा कि जैसे ही आपने देखा कि वहां पे शेर है और हमारी साइड आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व्स जो है और जो मैसेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये सिंपैथेटिक नर्व जाके मैसेज पास करेगी आपके जो स्टमक है, जो आपके माउथ की जो सलाइवरी ग्लैंड है, आपके जो आईज के जो प्यूपिल्स है, उसको सारे जो है उसको मैसेज पास करेगी, ठीक है, जिससे आप एक्सट्रीम कंडीशन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। स्वेट ग्लैंड को पास करेगी, अभी जैसे ही आपको शेर दिखेगा क्या होगा, आपको पसीना छूटने लगेगा, मुंह सूखने लगेगा, यानी ये जो सारे चेंजेस हुए आपके बॉडी में उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक रिस्पांस। यानी कि अभी आप एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर हो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप बोलने गए थे कि चलो मेरा बीपी हाई कर दो, नहीं ना, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि सिंपैथेटिक जो नर्व है वो क्या करती है बेटा, आपको एक्सट्रीम कंडीशन के लिए तैयार करती है। अभी आप देख लो कि कितने आपके क्लास में कितने सारे बच्चे हैं और आपको मैडम ने अचानक से ही आपको मैडम ने खड़े कर दिया, ठीक है, फिर आपको पूछने लगी, आपको बोलने लगी कि चलो बताने लगो ना उसके बारे में, ठीक है, फिर क्या होगा, कितने सारे बच्चे हैं उसके सामने आपको बोलना है, तब क्या रिस्पांस आएगा, सिंपैथेटिक रिस्पांस, और आपके चेहरे पे से पसीना छूटने लगेगा, ठीक है। सो ये तो सारे एग्जांपल्स है, ठीक है, आप अपनी तरीके से
आपको जो अच्छा लगे उस तरीके के एग्जाम्पल बना के सोच सकते हो। ठीक है, सो मैंने तो आपको ये सारे जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो ये सिंपैथेटिक नर्व है जिसने आपको एक्सट्रीम कंडीशन के लिए प्रिपेयर किया। अभी क्या हुआ बेटा, जैसे ही मैम ने आपको खड़ा किया आप में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आए और आप अच्छे से आप नर्व्स के बारे में बोलने लगे। ठीक है, फिर क्या होगा, मैम आपको बिठा देगी कि चलो बैठ जाओ, वेरी गुड, आपने अच्छे से बोला। ठीक है, सो जैसे ही आप बैठ जाओगे आपकी बॉडी में पैरासिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगी और मैसेज पास करेगी। ठीक है, आपके जो सारे ऑर्गन्स को, और ये आपकी बॉडी को रिलैक्स कंडीशन में लेके आती है, सिंपैथेटिक से उल्टा पैरासिंपैथेटिक करती है। अभी आप कंटिन्यू सिंपैथेटिक में ही रहोगे सो आपको बॉडी को डैमेज होगा आपकी बॉडी को, यानी कि अभी रिलैक्स भी होना जरूरी है। सो रिलैक्स कौन कर देगा आपको, पैरासिंपैथेटिक नर्व्स ऐसे सिग्नल्स लेके आएगी। सिंपैथेटिक यानी कि आपको एक्सट्रीम कंडीशन में एक्टिवेट कर देगा, पैरासिंपैथेटिक यानी कि आपको रिलैक्स कर देगा। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो सिंपैथेटिक जो रिस्पॉन्स है, जो नर्व्स है जो मैसेज लेके आती है, वो फाइट एंड फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है, कंडीशन है, उसमें वर्क करती है, और पैरासिंपैथेटिक है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का सिग्नल पास करती है, यानी कि आप अभी कूल डाउन हो गए, अभी आपका बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, अभी आप रिलैक्स हो गए हो। ठीक है, सो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे नर्व्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो लेक्चर है उसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, क्वेरी हो, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है तब भी आपको रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस जो है वो समझ में आएगी। ठीक है, सारे वीडियोज अच्छे से देखो क्योंकि आपका बोर्ड का फाइनल ईयर है बेटा। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चलो मैम कहाँ देखने आएंगी कि चलो अभी हमें वीडियो नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अच्छे से देखनी है, नोट्स भी अच्छी बनानी है और याद भी अच्छे से रखना है जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप बोर्ड में लेके आ सको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।